हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले साइलो स्ट्रक्चर के बारे में या फिर पिलर पोस्ट के बारे में। आप ऐसे बहुत सारे लोग प्रोडक्ट रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करते हैं लेकिन वो कभी रैंक ही नहीं होते, क्योंकि इसके पीछे टेक्निक होती है। दैट्स व्हाट पीपल कॉल साइलो स्ट्रक्चर। मैं पर्सनली उसको यूज करता हूं, तो आपको वो आज लाइव एग्जाम्पल स्क्रीन पे आपको समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे क्रिएट किया जाता है और इसका कैसे इंपैक्ट आता है। पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशंस विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई रिक्वेस्ट यू चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं साइलो स्ट्रक्चर पिलर पोस्ट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। सो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है soundproofidea.com की साइट के बारे में, क्योंकि यहां पर मैं इसको सबसे ज्यादा यूज करता हूं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको होम पेज पर दो टाइप के कैटेगरीज दिख रही है। एक कैटेगरी है जो है टिप्स के बारे में, जहां पर मैं इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट लिखता हूं, और एक कैटेगरी होती है जहां पर मैं प्रोडक्ट रिलेटेड डायरेक्टली प्रोडक्ट के रिव्यूज लिखता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस कैटेगरी को ओपन करूंगा, आप इसके अंदर किसी भी पोस्ट को ओपन कीजिए, मान लीजिए कि यह है हाउ टू रिड्यूस जनरेटर नॉइस 10 मोस्ट इफेक्टिव है या फिर 10 बेस्ट क्वाइटेस्ट एयर कंप्रेसर, तो ये क्या है, ये किसी न किसी प्रोडक्ट का रिव्यू। जब इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू विल गेट टू नो कि इसके बीच में मैंने डायरेक्टली Amazon की प्रोडक्ट को लिंक कर रखा है। अभी इसका ड्रॉबैक ये होता है गाइस कि गूगल को पता है कि वो इस टाइप के किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड पेजेस को बहुत ही कम रैंक करता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई है। तो वो क्या करता है, इस केस के अंदर हमें गूगल को बताना पड़ता है कि भाई ये कंटेंट, मान लीजिए कि अगर आपका ये कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है तो हमें इसके लिए एक स्ट्रेटजी यूज करनी होगी। दैट्स व्हाट वी कॉल द साइलो स्ट्रक्चर। इस ब्लॉग का सबसे बड़ा एग्जांपल है गाइस, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक पोस्ट है DIY पर जैसे जाएंगे, तो यहाँ पे कंटेंट लिख रखा है जिसका नाम है बेस्ट साउंड प्रूफिंग मटेरियल, जो कि बहुत ही लेंथी कंटेंट है। तो यहाँ पे मैंने 14 बेस्ट ऐसे मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रखा है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यू विल गेट टू नो, या फिर अगर आप यहाँ पे सिंपली टेबल ऑफ कंटेंट में जाके देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे अलग अलग मटेरियल है, जैसे एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इंसुलेशन मटेरियल, डैम्पिंग मटेरियल, डीकपलिंग मटेरियल, डैम्पिंग मटेरियल और भी बहुत सारे। तो आप एक एक को जैसे स्क्रॉल करेंगे यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर जैसे ये है अकोस्टिक पैनल दे रखा है, इसके बाद स्क्रॉल करेंगे ये कर्टन के बारे में बता रखा है, इसके बाद करेंगे यहाँ पर ब्लैंकेट के बारे में। तो ये क्या है, ये सारे मटेरियल्स, और ये पूरी के तरीके से मेरी साइट का एक पिलर पोस्ट है। पिलर पोस्ट वो होगा आपकी पर्टिकुलर साइट का जहां पर आप सबसे ज्यादा और मैक्सिमम ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं, जो कि आपकी साइट का बेस होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ब्लॉगिंग और इस पे लिखूं, मैं चाहे कोई भी पोस्ट लिखूं, लेकिन पिलर पोस्ट वो होता है जो बहुत ही लेंथी फॉर्म का कंटेंट होता है, जहां पे हर टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जिसको आप आपकी किसी भी ब्लॉग पोस्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहां पे आएंगे, स्टार्ट ब्लॉग पे जाएंगे, तो मेरी हर एक वेबसाइट के अंदर एक पिलर पोस्ट रहता है। और ये जो पिलर पोस्ट है गाइस, यहां पर मैंने 15,000 वर्ड का लेंथी फॉर्म कंटेंट लिख रखा है, जहां पर एवरी ब्लॉगर को ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट कैसे लिखना है, कौन सी थीम लेनी है, कौन सी होस्टिंग लेनी है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, ऑन पेज, मतलब सारी इंफॉर्मेशन है। तो अभी इस ब्लॉग पे, इस वेबसाइट पे जो भी मैं कॉन्टेंट लिखूंगा, आइडियली आई शुड बी एबल टू लिंक दैट कॉन्टेंट विद दिस वन, एंड दैट इज नोन एज ए साइलो स्ट्रक्चर। अभी चलिए, ये तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, इसके रैंकिंग होने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन ये प्रोडक्ट रिलेटेड कॉन्टेंट है और यहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट रैंक नहीं होते। लेकिन इसी चीज को अगर मैं एचरेफ में डालूंगा तो यू विल गेट टू नो कि ये बहुत सारे ऐसे अदर कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहा है। जैसे कि उसका मेन टाइटल कीवर्ड क्या था, साउंड प्रूफिंग मटेरियल, लेकिन यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे बहुत सारे अदर कीवर्ड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे दिख रहे हैं आपको कुछ अलग अलग टाइप के कीवर्ड दिखाई देंगे जिसके लिए वो रैंक कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे यू विल गेट टू नो कि डैम्पनिंग मटेरियल, ओके, इसके लिए रैंक कर रहा है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहां पे चिप साउंड बैरियर, इसके लिए भी रैंक कर रहा है। और थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आपको ऐसे अलग अलग इंसुलेशन मटेरियल, साउंड प्रूफ इंसुलेशन मटेरियल, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो DIY साउंड प्रूफिंग मटेरियल, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसी तरीके से एक सिंगल पोस्ट जिसका टारगेटेड कीवर्ड कुछ और है, लेकिन वो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कीवर्ड के अराउंड रैंक हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है गाइस साइलो स्ट्रक्चर। तो अभी मैं आपको बताता हूं साइलो स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके एग्जांपल के लिए गाइस, यहां पर मैंने एक छोटा सा फ्लो डायग्राम ड्रॉ किया है। इमेजिन कीजिए कि आपकी साइट का कोई पोस्ट है जो कि आपका पिलर पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा पोस्ट है जहां पर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम यूजर जाए। और जैसा कि मेरा स्ट्रेटजी रहता है कि गाइस मैं क्या करता हूं, जो मेरे प्रोडक्ट रिलेटेड पोस्ट है या फिर जो मेरे पिलर पोस्ट रिलेटेड कंटेंट है, उसके कुछ कीवर्ड निकाल के मैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखता हूं जो कि गूगल क्विकली रैंक करता है। तो ये जो प्रोडक्ट टिप्स में आपको जो भी कंटेंट दिखेगा, मान लीजिए कि अगर मैं इसको इंसुलेशन को यहां पे क्लिक करता हूं, इसके अंदर जाकर के इसको खोलता हूं कि इस फाइबर इंसुलेशन गुड फॉर साउंड प्रूफिंग, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे गाइस, तो यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड दिखाई देंगे
जो डायरेक्टली, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कहीं ना कहीं जा रहा होगा मेरे उस पिलर पोस्ट को। तो मान लीजिए कि ये दूसरा वाला पोस्ट है, तो इसके अंदर एक लिंक ऐसी रहेगी जो हमेशा मेरे उस पिलर पोस्ट को जाए। इससे क्या होगा, कभी भी मेरा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट रैंक होगा तो इंटरलिंकिंग की वजह से मेरा मेन जो पिलर पोस्ट है वो भी रैंक होगा। दूसरी चीज, जब भी कोई यूजर यहाँ पे आएगा तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि इफ यू वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन परचेज दिस थिंग फ्रॉम, और यू कैन नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो इस तरीके से मैं सारा ट्राफिक एक पोस्ट पर भेज सकता हूँ। तो इसके लिए करना क्या होता है गाइस, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पर मैंने साउंड प्रूफिंग मटेरियल के लिए वो जो मेरा 14 साउंड प्रूफिंग मटेरियल का एक पिलर पोस्ट लिखा। अभी मैं क्या करूंगा, इसको रैंक करवाने के लिए या फिर आइडियली तो वो उसके हिसाब से रैंक होने की ट्राई करें, क्या करूंगा इंटरनली विद इन द कंटेंट इटसेल्फ यहां पे बहुत सारी बैकलिंक को फोर्स करूंगा। और वो कैसे करूंगा, मैं एक कंटेंट लिखूंगा व्हाट इज साउंड डेडनिंग। अभी पूछोगे साउंड डेडनिंग आ कहां से गया, अगर इसको आप खोलोगे गाइस तो इसके अंदर एक सेक्शन रहेगा जहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं साउंड डेडनिंग मटेरियल के बारे में। तो अगर जैसे आप यहां पे जाएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा डैम्पनिंग मटेरियल, ये रहा साउंड डेडनिंग पेंट। तो यहां पे क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, एक कंटेंट लिख रहा हूं जो बता रहा हूं कि साउंड डेडनिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा कंटेंट लिख रहा हूं कि व्हाई यूज साउंड डेडनिंग मटेरियल, कि साउंड डेडनिंग मटेरियल को यूज क्यों करना है। और ये दोनों कंटेंट को इसलिए लिखा गया क्योंकि ये इंटरनली यूजर को प्रोडक्ट, इफ यू वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस साउंड डेडनिंग मटेरियल, मेक श्योर यू विजिट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ऐसा करके मैं यहां पे ड्राइव करता हूं। तो ये दोनों पोस्ट भी इसको बैकलिंक दे रहे हैं, साथ ही साथ यहां पे आने वाला एवरी सिंगल ट्रैफिक यहां पे जा रहा है। दूसरा मान लीजिए कि वहां पे मैंने अकोस्टिक फॉर्म जो कि अपना साउंड प्रूफिंग के लिए हम यूज करते हैं उसके बारे में मैंने कंटेंट लिख रखा है, तो मैं उसके लिए क्या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिख रहा हूँ, अकोस्टिक फॉर्म पैनल इफेक्टिव होता है नहीं होता है। ऐसा करके मैं कोई कंटेंट लिखता हूं और वो कंटेंट के लिए फिर से बैकलिंक दूंगा जो मेरे उस मटेरियल को जाएगी। फिर एक नया इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिखूंगा गाइस, मैं लिखूंगा साउंड प्रूफ वर्सेस अकोस्टिक फॉर्म पैनल के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर से यहां पे बैकलिंक होगा जो मेरे मेन पोस्ट को जाएगा, जो मेरा पिलर पोस्ट है। सिमिलरली इसी के अंदर मैंने बहुत सारे मटेरियल गिन के रखे, तो एक एक मटेरियल के ऐसे 4 से 5 इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में लिखता हूं। तो जैसे कि अभी साउंड प्रूफ मटेरियल के अंदर एक मटेरियल मैंने लिख रखा है, वो है सीलेंट, अकोस्टिक सीलेंट, राइट। तो ये क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंटेंट लिखूंगा कि इस अकोस्टिक सीलेंट इफेक्टिव, ऐसा करके एक गाइड बनाऊंगा जहां पे मुश्किल से मैं 1500 वर्ड का एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिखूंगा। फिर से बोलेगा कि अगर आपको चाहिए बेस्ट मटेरियल तो रेफर दिस आर्टिकल। इसके बाद मैं फिर से लिखूंगा कि अकोस्टिक सीलेंट वर्सेस कन्वेंशनल सीलेंट में क्या डिफरेंस होता है, फिर से वो ट्रैफिक ड्राइव करेगा। सिमिलरली यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल, तो इंसुलेशन के मैंने 4-5 से अलग ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिख रहेगा। तो इससे क्या होगा, गूगल का लगेगा कि आपका जो साइड है, आपका जो कंटेंट है, वो वेल इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, इट्स नॉट ऑल अबाउट जस्ट प्रोडक्ट के रिव्यूज आप पब्लिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो भी यूजर यहां पे देखने के लिए आ रहा है फाइबर ग्लास इंसुलेशन के बारे में या फिर अकोस्टिक सीलेंट के बारे में, तो वो ऑब्वियसली उसको परचेज भी करना चाहेगा या फिर उसके बारे में, उस बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेगा। तो वो ऑटोमेटिकली वो सारा ट्रैफिक आपके इंफॉर्मेटिव कंटेंट से पुश होकर जाएगा आपके प्रोडक्ट रिव्यू पेजेस के अंदर। तो ये होता है बेस्ट साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर इज नॉट अ बिग साइंस या फिर कुछ बड़ा है, मेन फंडा ये होता है कि आपको जो किसी पोस्ट को रैंक करवाना है वो आपका प्राइमरी कीवर्ड है। इसके बाद उसके अराउंड में 10 पोस्ट लिखो, जो आप बोलते हैं ना कि मैं अमेजोन को बीट करना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे कीवर्ड अमेजोन को बीट करते हैं, बहुत सारे अदर डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट को बीट करते हैं, सिर्फ यही फंडा है। दिस इज द सीक्रेट टिप। यहां पर आपको उसी पर्टिकुलर जो मेन प्राइमरी कीवर्ड है, उसी प्राइमरी कीवर्ड के अराउंड जो उसके अंदर आपने कॉन्टेंट लिखा, उसके छोटे छोटे सेक्शन या फिर उसके क्या पॉसिबल क्वेरीज हो सकती है। और ये कैसा पता लगती है गाइज, अगर यहाँ पे आप गूगल में जाएंगे और यहां पे अगर आप टाइप करेंगे साउंड प्रूफ मटेरियल, जैसे कि मैं क्या करता हूं साउंड प्रूफ मटेरियल, ओके, और यहां पे लिख सकता हूं बेस्ट साउंड प्रूफ मटेरियल। जैसे आप यहां पे टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको बहुत सारे सजेशन यहां पे बॉटम के अंदर देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए चीप साउंड प्रूफिंग मटेरियल, साउंड प्रूफ मटेरियल फॉर विंडो, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल फॉर होम, बेस्ट ये। तो इसको आप क्वेश्चंस की फॉर्म में इंसर्ट कीजिए। जैसे कि अगर मैं बेस्ट को हटा दूं तो यू विल गेट टू नो कि यहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो लोग पूछ रहे सिर्फ और सिर्फ साउंड प्रूफिंग मटेरियल के अराउंड। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहां पे छोटा सा अगर मैं यहां पे स्पेस देता हूं तो यू विल गेट टू नो कि यहां पे देख सकता है साउंड प्रूफ मटेरियल DIY, फोर स्टूडियो, फोर सीलिंग, फोर विंडो। तो साउंड प्रूफ मटेरियल फॉर विंडोज के बारे में जब मैं कंटेंट लिख रहा हूं तो वो भी कहीं ना कहीं लिंक करेगा कि अगर आप विंडो के बारे में ढूंढ रहे हैं तो यहां पे है, लेकिन विंडो के अराउंड अगर आपको दूसरे प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ेगी जब आप विंडो को साउंड प्रूफ करेंगे तो दूसरे प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, अकोस्टिक सीलेंट हो सकता है, कर्टेन हो सकता है, तो उसके लिए आप हमारे इस पिलर पोस्ट को रेफर कीजिए। तो कुछ गाइस इस तरीके से आपको साइलो स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। अगर आप ये काम करते हैं तो ऑब्वियसली यू शुड बी एबल टू रैंक एवरी सिंगल पोस्ट। बहुत सारी अदर टेक्निक्स है इसके अंदर जो मैं टाइम के साथ रिवील करता रहूंगा। अगर आप अभी तक आप इस चैनल पर बने हुए हैं मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट में फ्यूचर में भी शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।